हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिजी ब्लॉगर पूजा। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और यहाँ मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। सो फ्रेंड्स, कल के व्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मैंने कैसी कैसी प्रिपरेशन की थी अपने कान्हा जी के जन्मोत्सव के लिए, और आज हम लोग देखने वाले हैं कि मैंने कान्हा जी की पूजा किस तरीके से की है। तो सबसे पहले हम अपने इस व्लॉग में कान्हा जी के श्रृंगार से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम करते हैं कान्हा जी का श्रृंगार। श्रृंगार पूरा हो चुका है और ये सुबह के समय का श्रृंगार था जब हमने पूजा की थी, सिंपल पूजा। अब हम शाम की पूजा एक भजन के साथ करेंगे और इसमें हम स्नान भी कराएंगे अपने कान्हा जी को जन्म के टाइम पे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और हमारी पूजा की सारी तैयारी हो चुकी है, अब हम करने वाले हैं अपने कान्हा का जन्म। तो सबसे पहले हम इसे एक थाली में रखकर दूध, दही और पंचामृत से स्नान कराएंगे और उसके बाद अपने कान्हा जी का श्रृंगार करेंगे। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो चलिए आइए देखते हैं मैंने कैसे पूजा की।
कान्हा जी को स्नान करा के उनका पूरी तरीके से श्रृंगार करके अच्छे से पूजा कर ली है। और अब हम करने वाले हैं आरती, और आरती करने का इस ट्रैक को आप इंजॉय कीजिए। और अगर मेरे व्लॉग पसंद आते हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके।